अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें क्रिकेट न्यूज़ HD चैनल को और प्रेस करें इस बेल के आइकन को ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिले। ऑरेंज कैप IPL का वो अवार्ड है जो IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों को हर साल दिया जाता है। आज की इस खास वीडियो में IPL 2008 से IPL 2022 तक ऑरेंज कैप जीतने वाले सभी बल्लेबाजों के बारे में बात करेंगे, तो इन तमाम ऑरेंज कैप विनर्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन इस सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अपने सोडो को लाइक नहीं तो सोडो को लाइक जरूर करें। नंबर वन ऑरेंज कैप विनर IPL 2008। IPL 2008 में ऑरेंज कैप शॉन मार्श ने जीती। शॉन मार्श ने IPL 2008 में 11 मैच खेलकर 616 रन बनाए जिसमें इनकी एवरेज 68 रन का स्ट्राइक रेट 140 है। शॉन मार्श ने IPL 2008 में 5 फिफ्टिंग और 1 सेंचुरी बनाई जिसमें का हाई स्कोर 115 है जिसमें 59 चौके 26 छक्के शामिल हैं। नंबर टू ऑरेंज कैप विनर IPL 2009। IPL 2009 में ऑरेंज कैप मैथ्यू हाइडन ने जीती। मैथ्यू हाइडन ने IPL 2009 में 12 मैच खेलकर 572 रन बनाए जिसमें इनकी एवरेज 52 रन का स्ट्राइक रेट 145 है। मैथ्यू हाइडन ने IPL 2009 में 5 फिफ्टियां बनाई जिसमें इनका हाई स्कोर 99 है जिसमें 60 चौके और 22 छक्के शामिल हैं। नंबर थ्री ऑरेंज कैप विनर IPL 2010। IPL 2010 में ऑरेंज कैप सचिन तेंदुलकर ने जीती। सचिन तेंदुलकर ने IPL 2010 में 15 मैच खेलकर 618 रन बनाए जिसमें इनकी एवरेज 48 और इनका स्ट्राइक रेट 133 है। सचिन तेंदुलकर ने IPL 2010 में 5 फिफ्टियां बनाई जिसमें इनका हाई स्कोर 99 है जिसमें 86 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। नंबर फोर ऑरेंज कैप विनर IPL 2011। IPL 2011 में ऑरेंज कैप क्रिस गेल ने जीती। क्रिस गेल ने IPL 2011 में 12 मैच खेलकर 608 रन बनाए जिसमें इनकी एवरेज 68 रन का स्ट्राइक रेट 183 है। क्रिस गेल ने IPL 2011 में 3 फिफ्टियां और 2 सेंचुरियां बनाई जिसमें इनका हाई स्कोर 107 है जिसमें 57 चौके और 44 छक्के शामिल हैं। नंबर फाइव ऑरेंज कैप विनर IPL 2012। IPL 2012 में ऑरेंज कैप क्रिस गेल ने जीती। क्रिस गेल ने IPL 2012 में 15 मैच खेलकर 733 रन बनाए जिसमें इनकी एवरेज 61 रन का स्ट्राइक रेट 161 है। क्रिस गेल ने IPL 2012 में 7 फिफ्टियां और 1 सेंचुरी बनाई जिसमें इनका हाई स्कोर 128 है जिसमें 46 चौके और 59 छक्के शामिल हैं। नंबर सिक्स ऑरेंज कैप विनर IPL 2013। IPL 2013 में ऑरेंज कैप माइकल हसी ने जीती। माइकल हसी ने IPL 2013 में 17 मैच खेलकर 733 रन बनाए जिसमें इनकी एवरेज 52 रन का स्ट्राइक रेट 130 है। माइकल हसी ने IPL 2013 में 6 फिफ्टियां बनाई जिसमें इनका हाई स्कोर 95 है जिसमें 41 चौके 17 छक्के शामिल हैं। नंबर सेवन ऑरेंज कैप विनर IPL 2014। IPL 2014 में ऑरेंज कैप रॉबिन उत्तपा ने जीती। रॉबिन उत्तपा ने IPL 2014 में 16 मैच खेलकर 660 रन बनाए जिसमें इनकी एवरेज 44 रन का स्ट्राइक रेट 138 है। रॉबिन उत्तपा ने IPL 2014 में 5 फिफ्टियां बनाई जिसमें इनका हाई स्कोर 83 है जिसमें 74 चौके और 18 छक्के शामिल हैं। नंबर एट ऑरेंज कैप विनर IPL 2015। IPL 2015 में ऑरेंज कैप डेविड वॉर्नर ने जीती। डेविड वॉर्नर ने IPL 2015 में 14 मैच खेलकर 562 रन बनाए जिसमें इनकी एवरेज 43 रन का स्ट्राइक रेट 156 है। डेविड वॉर्नर ने IPL 2015 में 7 फिफ्टियां बनाई जिसमें इनका हाई स्कोर 91 है जिसमें 65 चौके और 21 छक्के शामिल हैं। नंबर नाइन ऑरेंज कैप विनर IPL 2016। IPL 2016 में ऑरेंज कैप विराट कोहली ने जीती। विराट कोहली ने IPL 2016 में 16 मैच खेलकर 973 रन बनाए जिसमें इनकी एवरेज 81 रन का स्ट्राइक रेट 152 है। विराट कोहली ने IPL 2016 में 7 फिफ्टियां और 4 सेंचुरियां बनाई जिसमें इनका हाई स्कोर 113 है जिसमें 83 चौके और 38 छक्के शामिल हैं। नंबर 10 ऑरेंज कैप विनर IPL 2017। IPL 2017 में ऑरेंज कैप डेविड वॉर्नर ने जीती। डेविड वॉर्नर ने IPL 2017 में 14 मैच खेलकर 641 रन बनाए जिसमें इनकी एवरेज 58 रन का स्ट्राइक रेट 142 है। डेविड वॉर्नर ने IPL 2017 में 4 फिफ्टियां और 1 सेंचुरी बनाई जिसमें इनका हाई स्कोर 126 है जिसमें 63 चौके और 26 छक्के शामिल हैं। नंबर 11 ऑरेंज कैप विनर IPL 2018। IPL 2018 में ऑरेंज कैप केन विलियमसन ने जीती। केन विलियमसन ने IPL 2018 में 17 मैच खेलकर 735 रन बनाए जिसमें इनकी एवरेज 53 रन का स्ट्राइक रेट 142 है। केन विलियमसन ने IPL 2018 में 8 फिफ्टियां बनाई जिसमें इनका हाई स्कोर 84 है जिसमें 64 चौके और 28 छक्के शामिल हैं। नंबर 12 ऑरेंज कैप विनर IPL 2019। IPL 2019 में ऑरेंज कैप डेविड वॉर्नर ने जीती। डेविड वॉर्नर ने IPL 2019 में 12 मैच खेलकर 692 रन बनाए जिसमें इनकी एवरेज 69 रन का स्ट्राइक रेट 144 है। डेविड वॉर्नर ने IPL 2019 में 8 फिफ्टियां और 1 सेंचुरी बनाई जिसमें इनका हाई स्कोर 100 है जिसमें 57 चौके और 21 छक्के शामिल हैं। नंबर 13 ऑरेंज कैप विनर IPL 2020। IPL 2020 में ऑरेंज कैप KR राहुल ने जीती। KR राहुल ने IPL 2020 में 14 मैच खेलकर 670 रन बनाए जिसमें इनकी एवरेज 56 रन का स्ट्राइक रेट 129 है। KR राहुल ने IPL 2020 में 5 फिफ्टियां और 1 सेंचुरी बनाई जिसमें इनका हाई स्कोर 132 है जिसमें 58 चौके और 23 छक्के शामिल हैं। नंबर 14 ऑरेंज कैप विनर IPL 2021। IPL 2021 में ऑरेंज कैप ऋतुराज एक बार ने जीती।
ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल 2021 में 16 मैच खेलकर 635 रन बनाए, जिसमें इनकी एवरेज 45 रन का स्ट्राइक रेट 136 है। ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल 2021 में 450 और 1 सेंचुरी बनाई, जिसमें इनका स्कोर 101 है, जिसमें 64 चौके और 23 छक्के शामिल हैं। नंबर 15 ऑरेंज कैप विनर आईपीएल 2022। आईपीएल 2022 में अब तक ऑरेंज कैप जोर बटलर के पास है। जोर बटलर ने अब तक आईपीएल 2022 में 10 मैच खेलकर 588 रन बनाए, जिसमें इनके एवरेज 65 रन का स्ट्राइक रेट 151 है। जोर बटलर ने अब तक आईपीएल 2022 में 350 और 3 सेंचुरियां बनाई, जिसमें इनका है स्कोर 116 है, जिसमें 50 चौके और 36 छक्के शामिल हैं। तो इन तमाम बल्लेबाजों में से आपका फेवरेट बल्लेबाज कौन सा है, अपनी राय का हर कमेंट में जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।